हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई, ये फंक्शन तब है जब एक्स वाई की वैल्यू 0 0 नहीं होते हैं और जब 0 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, इज नॉट कंटिन्यूस एट 0 0 यानी कि ओरिजिन पर इन एक्स वाई यानी कि सेवरल वैल्यू एक्स वाई दोनों पे टुगेदर, बट दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस। बट ये फंक्शन कंटिन्यूस तब है इन एक्स अलोन, या तो सिर्फ आप एक्स लोगे उस केस में ये कंटिन्यूस है, या फिर वाई अलोन लोगे तो उस केस में कंटिन्यूस है। आई बस समझ में। तो इस क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले तो बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ओके, और फिर बताना है कि ये कंटिन्यूस है अलोन वाले टर्म्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन करने का जो मूड होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंटिन्यूस नहीं बोल रहा है तो ऑलवेज दिखा दो कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कंटिन्यूस नहीं होगा। और उसके लिए हम क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू समथिंग लेते हैं या फिर वाई इक्वल टू समथिंग, ऐसा पाथ चूज करते हैं और फिर एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे रखते हैं कि ऊपर नीचे उसकी डिग्री सेम आ जाए, फिर कॉमन ले लें। देखिए करते हैं तभी आपको समझ में आएगा। तो आप क्या लिखोगे, लेट अस चूज अ पाथ अलोंग द ओरिजिन, ठीक है। अब पाथ क्या चूज करना वो बात मेन चीज़ है। देखो यहाँ पर ऐसा इसकी वैल्यू लेट करें कि ऊपर नीचे डिग्री सेम आ जाए, चाहे वो एक्स की आए फिर वाई की। देखो यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ पर वाई की पावर 6 है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ वाई क्यूब का स्क्वायर, है ना। तो देखो फंक्शन जो एक्स वाई है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो जो पाथ हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं रखूँगा वाई क्यूब इक्वल्स टू एम एक्स, ये पाथ मैं लूँगा, ठीक। अब लिखने का तरीका क्या होगा, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0 0, यहाँ पर फंक्शन हमारे क्या है, देखो एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6। अब किसकी वैल्यू रख रहे हैं, वाई क्यूब की वैल्यू रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि लिमिट की जाएगा एक्स टेंस टू 0, क्योंकि एक्स के फॉर्म में आ रहा है सारा चीज। एक्स है, वाई क्यूब के पहले क्या रखना है, एम इन टू एक्स, और यहाँ तो क्या है, देखो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब यानी कि क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर से क्या है, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन है, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स बचा ही नहीं, यानी कि बचा एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक। तो विच इज़, और एम तो कांस्टेंट है, एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कि डिफरेंट वैल्यू देगा, यानी कि लिमिट इसकी यूनिक नहीं है, विच इज़ डिपेंड्स अपॉन एम, दैट इज नॉट यूनिक। अब जब लिमिट ही यूनिक नहीं है तो आप क्या बोल देंगे, नॉट कंटिन्यूस। तो पहला पार्ट तो आराम से प्रूफ हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आ जाऊँ, तो कंटिन्यूस तब नहीं है जब आप दो वेरिएबल लेते हो, बट जब आप सिंगल वेरिएबल लेते हो अलोन, या तो एक्स लेते हो या फिर वाई लेते हो, तब ये आपका क्या है, कंटिन्यूस है, ये बोला इन्होंने, ठीक है। तो देखो ऑब्वियसली कंटिन्यूस हो जाएगा अगर हम सिंगल वेरिएबल लेंगे। सिंगल वेरिएबल ले लो, सपोज वाई के टर्म्स लेते हो आप, ठीक है ना, वाई के टर्म्स लेते हो, तो यहाँ से क्या बचा, वाई क्यूब, यहाँ से वाई 6, ठीक, ये चीज़ बचेंगे। और या फिर आप एक्स अलोन लेना चाहते हो तो ये हटा दो, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप रखोगे ना तो ये आपको वैल्यू दे देगा फाइनाइट, और उस केस में आपका ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा,